लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 28 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। एक सीट सपा को दी गई है, वहां भी मामला कुछ क्लियर नहीं है। ऐसे में एक सीट और भी ऐसी है जहां अपने ही प्रत्याशी के खिलाफ कांग्रेस नजर आ रही है और इस सीट पर बड़ा दाव खेलने के लिए प्रत्याशी तक बदल सकती है। हम बात कर रहे हैं आदिवासी बाहुल्य लोकसभा सीट धार की, जहाँ पर कांग्रेस अपना कैंडिडेट बदल सकती है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि आदिवासी वोटर्स को लुभाने के लिए कांग्रेस पार्टी यहां जयस के नेता को अपना उम्मीदवार घोषित कर सकती है। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस उम्मीदवार ने नाम घोषित होने के बाद अभी तक अपना चुनाव कार्यालय तक नहीं खोला है। आपको बता दें कि इस बार कांग्रेस ने यहां से राधेश्याम मुवैल को टिकट दिया है, जबकि बीजेपी ने यहां से सावित्री ठाकुर को टिकट दिया है। धार जिले की बात की जाए तो ये कांग्रेस नेता उमंग सिंघार का गढ़ माना जाता है। आदिवासी बाहुल्य जिला धार में फिलहाल कांग्रेस का कब्जा है। यहाँ की कुल 7 विधानसभाओं में से 5 पर कांग्रेस का झंडा है, जबकि मात्र 2 विधानसभा जिला मुख्यालय धार और धर्मपुरी भाजपा के पास है। जिले की सरदारपुर, गंदवानी, मनावर, बदनावर और कुछ ही विधानसभाएं आदिवासी आबादी वाली हैं और ये कांग्रेस के खाते में है। यही कारण है कि इस सीट पर कांग्रेस ज्यादा फोकस कर रही है। सूत्रों का कहना तो ये भी है कि कांग्रेस यहाँ से अब जयस नेता महेंद्र कन्नौज को उम्मीदवार बना सकती है। हालांकि अभी वो कांग्रेस के सदस्य भी नहीं है। इसके पीछे वजह यह भी बताई जा रही है कि लोकसभा चुनाव का टिकट मिलने के बाद भी कांग्रेस उम्मीदवार ने अभी तक अपना चुनावी कार्यालय नहीं खोला है। हालांकि पार्टी स्तर पर इस बारे में कोई अधिकृत बयान नहीं आया है। इसके साथ ही अंदरूनी तौर पर नेताओं का विरोध भी कांग्रेस उम्मीदवार को भारी पड़ सकता है। इस सुगबुगाहट ने प्रदेश की कांग्रेस सियासत में हलचल पैदा कर दी है। इन चर्चाओं से पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के बीच जारी अंदरूनी खींचतान भी गहराने के हालात बनते दिखाई देने लगे हैं। हालांकि प्रत्याशी राधेश्याम मुवैल ने इस मामले में कहा है कि मैं जमीनी स्तर पर संपर्क कर रहा हूं, चुनाव के लिए कार्यालय खोलना उतना जरूरी नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे टिकट मिलने से पहले भी मैं अपने क्षेत्र में एक्टिव था, मैं लोगों के बीच जाकर उनसे मुलाकात करता था और उनकी समस्याओं का समाधान करता था। आपको बता दें कि राधेश्याम मुवैल मनावर तहसील के रहने वाले हैं। राधेश्याम को उमंग सिंघार का करीबी माना जाता है। राधेश्याम मुवैल आदिवासी युवा नेता है और लंबे अरसे से लोगों के बीच मौजूद है। मुवैल की सक्रियता और लोगों से सीधे जुड़ाव के चलते उम्मीद की जा रही थी कि इस बार धार लोकसभा में भाजपा को शिकस्त झेलनी पड़ सकती है। भाजपा की कमजोरी उसके द्वारा मैदान में उतारे गए महिला प्रत्याशी पूर्व सांसद सावित्री ठाकुर की कमजोर छवि के चलते भी आंकी जा रही है। सांसद कार्यकाल में क्षेत्र की जनता से दूरी और किए गए वादों से मुकर जाना भी भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ जाता दिखाई दे रहा है। वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो कहा जा रहा है कि इस बार सीट पर उम्मीदवार के चयन को लेकर जीतू पटवारी और उमंग सिंघार के बीच विरोध था। राधेश्याम का टिकट बदलने की अटकलों के बीच ये कहा जा रहा है कि यहां से महेंद्र कन्नौज को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। वो जयस नेता हैं। महेंद्र कन्नौज के जयस से कांग्रेस में आने को लेकर भी मतभेद है। इसी हालात के चलते महेंद्र कन्नौज के जयस से कांग्रेस में आने और इन पर दाव लगाने के लिए उमंग सिंघार की नाराजगी उठाना कांग्रेस को जीती बाजी हाथ से फिसला देने जैसा हो सकता है।